नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मांझी प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर रोहित कुमार ने पत्रकारों को अपने कक्ष में बुलाकर बताया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने को लेकर पूरे बिहार में ओपीडी सेवा को बंद रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिन रात मरीजों का सेवा में डॉक्टरों की टीम लगी हुई रहती है। पूरे देश में कोरोना काल से डॉक्टरों की टीम विशेष रूप से लगी हुई है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि दुष्कर्मी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। उक्त मौके पर डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर प्लवीन जी, एच एम राम मूर्ति, वी सी एम विवेक कुमार, वी एम एन राकेश राम आदि लोग मौजूद रहे। मांझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, आज पूरे बिहार में ओपीडी बंद होने का क्या कारण है? सर, इसका मुख्य कारण है कि बंगाल मौर्य मेडिकल कॉलेज में वहाँ लेडी डॉक्टर प्रीति रिपोर्ट गई थी, उनके साथ जो घटना घटी है और एक और मर्डर हुआ है, और इस प्रकार से हुआ कि इसको कोई भी माफ नहीं कर सकता इस घटना को। और इस चीज के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया लेवल और बिहार में आज पर सभी जगह ऐसा कानून बने मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, डॉक्टर के लिए इस टाइप से, ताकि हम लोग का सेवा होता है 24 घंटे 7। और इसमें जो है कि निस्वार्थ भाव से हम लोग नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी हमेशा रहता है। आप कितना भी अच्छा चाह लो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं है कि किसी को इस तरह किया आशीर्वाद दिए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी घटना घटता है, मारपीट हो जाता है, कुछ हो जाता है, भेज के मारने लगता है, मर्डर हो जाता है, कोई भी घटना घटता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस सब को रोकने के लिए कानून ऐसा बने, ऐसा एक्ट बने हम लोग को कि सब सुरक्षित महसूस करें। और दूसरी बात कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज का पूरा इंडिया लेवल में इस चीज का होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का घटना किसी डॉक्टर के साथ हो, महिला चिकित्सक के साथ हो या पुरुष के साथ हो, जो घटना घटी है किसी भाई के साथ हो सकता है, किसी बहन के साथ हो सकता है, अगर मेरे ही घर के साथ होता तो मैं इसको छोड़ सकता था। एक विरोध है और हमारे जो यहाँ पेशेंट हैं, ओपीडी बहिष्कार का बात है, जहां तक ओपीडी बहिष्कार किया गया, इमरजेंसी तो चल ही रहा, लेकिन इसमें सभी को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। डॉक्टर सब इतना इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग है सभी की, हर जगह काम में वो लोग लगा रहता है। कोविड जैसा फेज को कोई भी विभाग नहीं था, एक आपका स्वास्थ्य विभाग ही था कि रात दिन लगा रहा, मरीज के साथ लगा रहा, सब चीज लगा रहा है। इसलिए कम से कम चिकित्सक लोग को, स्वास्थ्य कर्मी लोग को कम से कम वो अपना मुख धारा में रखे, उसको उसी प्रकार प्रेम दे जिस तरह कोविड में उन्होंने संभाला और किया, जितना संभव हुआ उन्होंने किया। इसीलिए सरकार से यही अपील करेंगे इस चीज को कि कम से कम हर जगह इसको, डॉक्टर को कम से कम सुरक्षित रखे, सब चीज उस पर ध्यान दें,